नव दिवसीय श्री श्री 108 शत चंडी महायज्ञ को लेकर शनिवार को गांडे प्रखंड के जमजोरी पंचायत अंतर्गत घोसको गांव में यज्ञ मंडप से ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ जामताड़ा गिरडी मुख्य मार्ग होते हुए बुदड़ी मुख्य बाजार से होकर जोरासिम्मा नदी तक भव्य जल यात्रा निकाली गई। बताया गया कि जल यात्रा के मौके पर कुल 851 कुमारी कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया। जल यात्रा में घोसको समेत चामलिट्टी, पंदनिया, बुधुड़ी, जोरासीत सहित क्षेत्र के कई गांवों के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर पूरी श्रद्धा भाव से झांकी वाहनों द्वारा जल यात्रा का शोभा बढ़ाते हुए जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव आदि नारों के साथ माहौल को खुशगवार बनाते हुए कतारबद्ध होकर चल रहे थे। बताया गया कि जल यात्रा जोरासिम्मा नदी पहुँच बाहर से चलकर आए हुए आचार्य व्यास पांडे ने पूरी विधि विधान के साथ मुख्य यजमान टिकेट मंडल व द्वितीय यजमान धनपत मंडल के सहयोग से कलशों में जल भराया व पुनः जल यात्रा यज्ञ मंडप पहुंच विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बताया गया कि इसके पश्चात रोज लगातार 9 दिन तक रात को प्रवचन व भजन का कार्यक्रम चलेगा। तेज धूप के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्राथमिक उपचार हेतु एम्बुलेंस सेवा साथ साथ चल रहे थे। इस जल यात्रा के मौके पर पूर्व गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा, आसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, समाजसेवी प्रमोद रवानी, राम प्रसाद मंडल, शंकर प्रसाद राय, गांडे सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रमोद रवानी, पुरोहितों में दिनेश पांडे, सोहन पांडे, यज्ञ समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंडल, सचिव विक्की मंडल, कोषाध्यक्ष विष्णुदेव मंडल, सदस्य बजरंगी मंडल, नरेश मंडल, उमेश मंडल, मनोज मंडल, गुलेटिन मंडल, भुवनेश्वर मंडल, सुरेंद्र मंडल, सुरेश मंडल, नोखलाल मंडल, राजेंद्र मंडल, सुनील मंडल सहित क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुगण उपस्थित थे। तो कृपया मंदिर प्रांगण में आकर हमसे आज घोसको चामलिट्टी में जल यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ है और वहाँ सतचंडी महायज्ञ भव्य का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु भक्त काफी संख्या में, हजारों की संख्या में कन्याएं जो कलश यात्रा उठा करके आप लोग घोसको चामलिट्टी से पंदनिया होते हुए जोरासिम्मा नदी में जल उठाएगी और आज से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। अच्छे अच्छे प्रवचनकर्ता आए हैं, बहुत श्रद्धालु भक्त खुशी के साथ यह यज्ञ बहुत मेहनत करके पूरा साजो सज्जा के साथ आज से यज्ञ प्रारंभ हुआ है। श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है कि आएं और इस यज्ञ को सफल बनाएं। इसके पश्चात क्या क्या कार्यक्रम है आगे? आगे रोज संध्या प्रवचन होगा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा और बीच बीच में झांकी का भी कार्यक्रम होगा, साथ ही दो चार बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का भी आयोजन होगा।